Hello, my dear students and parents. This side Kanchan from AKG Tutorials, and I welcome you in my video. And the topic is sustainability of development. ये class 10th का development chapter का topic है. Last topic जो हम लोगों का रह गया था हमारी पिछली videos में वो आज मैं आपका cover up करने वाली हूँ. तो इसमें हम पढ़ेंगे development का meaning जो हम already इस chapter में detail में समझ चुके हैं. तो समझेंगे कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है और उसमें कुछ टर्म्स पढ़ेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये जो भी आज हम पढ़ने वाले हैं ये ऑलरेडी मैं अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ. क्लास 8 की कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में और सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में. बट आज क्लास 10th का ये जो टॉपिक रह गया था वो आज हम लोग फिनिश अप करते हैं, रैप अप करेंगे. आइए तो समझते हैं क्या है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट और ये किस लिए जरूरी है. जैसे कि हम जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि एक स्टेज तक हम लोग डेवलप कर चुके हैं वो इतनी रिसोर्सेज है, मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हमारे प्रेजेंट जनरेशन की फुलफिल भी करें और फ्यूचर जनरेशन को भी फुलफिल करें. हमें रिसोर्सेज इस तरीके से यूज करनी है, मतलब आगे फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो, हम उसे ओवर यूज ना करें किसी भी रिसोर्सेज को. तो आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं. आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स देख सकते हैं और उसी में से रीड करते हुए इस टॉपिक को क्लियर करते हैं. सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation. एक X country है, उसमें सारी चीजें हम अगर development देखें तो सारी चीजें cover up हो रही हैं उसमें. हम क्या चाहेंगे कि ये जो डेवलपमेंट एक हम सर्टेन लेवल पे जो पहुंच चुके हैं वो प्रेजेंट जनरेशन के लिए प्रेजेंट जनरेशन इस हिसाब से यूज करें कि वो फ्यूचर के लिए भी सेव कर पाए. ओवर यूज नहीं होना चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं किसी चीज का भी ओवर यूज हम लोगों के लिए हानिकारक है. आज के लिए तो हो गई होगा प्रेजेंट जनरेशन के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचेगा. तो यही हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर आज हम डेवलप हैं, हम एक लेवल तक पहुंच चुके हैं तो हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन को भी मिल सके, उसका वो फायदा उठा सके या यूज कर सके. आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. But जो 20th century में scientists का क्या डर है कि हम आज के time में जो use कर रहे हैं resources, वो हम इस तरीके से resources को use कर रहे हैं कि future generation के लिए वो resources नहीं बचेंगे. Like water. वाटर का बीच में आप देख सकते हो अगर वाटर बहुत हम ओवर यूज करेंगे या टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती है वाटर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कि वाटर की बचत करें, वाटर को वेस्ट ना करें. बूंद बूंद ही बहुत इम्पोर्टेंट है. इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यही कहा जाता है. हम अपनी छोटे जब हम लोग स्कूल टाइम्स में अपने छोटे क्लासेस में होते हैं उधर तब भी हमें ये समझाया जाता है कि हर चीज़ को तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज करना है, कोई वेस्टेज नहीं करनी है. वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन लीड टू फ्यूचर जनरेशन कांट यूज दिस रिसोर्सेज. किसी की किसी चीज की भी अति सही नहीं है. आइए आगे रीड करते हैं. कंसिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. अगर हम environment का गलत use करते हैं, एक आप जानते हैं कि buildings constructions के लिए या constructions of
ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रियल एस्टेट बिजनेस में जंगल के जंगल काट देते हैं, या अगर थोड़ा सा अगर 100 पेड़ काटे तो 2-3 पेड़ लगा देंगे, 10 पेड़ लगा देंगे, एक प्लांटेशन प्रोग्राम चला देंगे। बट क्या जो जो 100 पेड़ हैं उन्होंने कितने साल लगाए होंगे उस ग्रोथ तक पहुंचने में? वो हम लोग रियल एस्टेट बिजनेस में अपना आज की अपनी मनी डेवलपमेंट में, मनी के लिए या किसी भी चीज के लिए हम पेड़ काट रहे हैं, रियल एस्टेट बिजनेस के लिए खेत कट जाते हैं, फिर उस पर बिल्डिंग्स बन जाती हैं, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं। तो क्या है ये सब? एनवायरनमेंट को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी के लिए कहा गया है कि हर चीज को आप प्लीज तरीके से यूज कीजिए। वाटर है, कुछ भी है, नेचर की जो भी रिलेटेड चीज है उसका हमें ओवर यूज नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज वन ऑफ द फैक्टर कि वो हमें हार्म करेगा ही करेगा। अवर फ्यूचर इज लिंक्ड together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economics, philosophers and other social scientists are working together. ये आज के टाइम में एक नया टॉपिक है, आज के टाइम में नहीं, ये मतलब आज के टाइम में नया टॉपिक ये इसलिए कहा जा सकता है बिकॉज अब हम लोगों ने ओवर यूज करना स्टार्ट कर दिया है। अगर हम ओवर यूज करेंगे तभी हम लोग फिर तरीके निकालते हैं कि किस तरीके से हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेस बचा कर रखें। आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये मतलब इस पे रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है इस पे कि हम अपने रिसोर्सेस को कैसे सस्टेनेबल बनाएं, किस तरीके से यूज करें उसका। तो उसके लिए साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, फिलोसफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर डूइंग रिसर्च ऑन दिस टॉपिक। In general, the question of development or progress is perennial. At all times, as a member of society and as individuals, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what are goals. So the debate on development continues. क्या कहता है कि हमें जो भी development है या जो भी हम use कर रहे हैं resources, हमें as an individual लेके चलना चाहिए, as a society की तरफ हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ध्यान में देखते हुए हमें रिसोर्सेज यूज करने चाहिए। और क्या कहते हैं एक डेवलपमेंट कंट्री के लिए क्या है, हमें वो एज एन इंडिविजुअल सोचना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए सारी रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए। तो इन शॉर्ट व्हाट वी अंडरस्टूड बाय दिस टॉपिक इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो हम अब तक गेन कर चुके हैं, जो अब तक हम एक लेवल तक पहुंच चुके हैं, उस लेवल को हमें मेंटेन करना है। एक और अच्छे तरीके से एग्जांपल से समझाती हूँ। एक स्कूल का स्टूडेंट है, उसने बहुत मेहनत करी और ही और शी एबल टू स्कोर 90% और 95% इन फर्स्ट टर्म ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, सेकेंड टर्म में या हाफ ईयरली में वो अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा, रिजल्ट डाउन हो जाएंगे। इसी को चीज को हमें मान के चलना है कि डेवलपमेंट अगर हमें एक लेवल तक पहुंच चुके हैं तो हमें इसे मेंटेन करना है और रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर पाए। ओवर यूसेज नहीं करनी है और चीजों को बचाकर चलना है, इस तरीके से यूज करना है कि आगे फ्यूचर जनरेशन भी उन चीजों को एंजॉय कर सके। तो विद दिस आज का हमारा टॉपिक एंड दिस चैप्टर डेवलपमेंट आज ही खत्म होता है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट इन माय प्रीवियस वीडियो एंड और टुडे वीडियो में आपको कोई डाउट है तो यू कैन सिंपली मेल मी ओवर akgtutorials2020@gmail.com। टिल देन स्टे एट होम, टेक केयर।